बड़ी खबर कानपुर से है, जहां बस व टेम्पो की भिड़ंत में 17 लोगों की मौत हो गई। पीएम मोदी समेत सीएम योगी ने भी शोक जताया। नमस्कार, मैं हूं मुदित और आप देख रहे हैं तथ्य दर्पण। कानपुर में मंगलवार की रात बेहद अमंगलकारी साबित हुई है। कानपुर नगर के सचेड़ी थाने के पास कानपुर इटावा हाईवे पर गदनखेड़ा गांव के सामने बेकाबू बस गत दिशा से आ रही टेम्पो को रौंदती हुई गड्ढे में पलट गई। दोनों गाड़ियों में क्षमता से अधिक सवारियां भरी हुई थी। मंगलवार रात करीब 8:15 बजे हुए इस हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 लोग घायल हुए हैं। इसमें से 4 की हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद बस चालक और कंडक्टर दोनों भाग निकले। देर रात कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। कल्पना ट्रेवल्स की 42 सीटर बस करीब 120 सवारियों को लेकर गुजरात के अहमदाबाद के लिए 5:30 बजे अफजलगंज से चली थी। बस में कुछ लोगों ने बताया कि बस चालक ने डीजल पंप पर डीजल भराते वक्त ही शराब पी ली थी। उन लोगों ने इसका विरोध किया और ट्रैवल्स कंपनी के नंबर पर फ़ोन पर इसकी जानकारी दी। इस पर बात करने वाले ने परेशान न होने की बात कहकर इस बात को टाल दिया। कुछ ही किलोमीटर चलने के बाद इटावा के गदनखेड़ा गांव के पास अचानक बेकाबू हुई बस ने सामने से आ रही सवारियों से भरे टेम्पो में जोरदार टक्कर मार दी। इससे टेम्पो फुटपाथ की ओर जाकर पलट गया और उसके पर खच्चे उड़ गए। वहीं टक्कर मारने के बाद अनियंत्रित हुई बस हाईवे के किनारे गड्ढे पर पलट गई।